हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। विश्व मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। हेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, हेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तित्ते केनायमस्तीति चैके, अस्तित्ते केनायमस्तीति चैके, एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामि एष वरस्तृतीयः, वराणामि एष वरस्तृतीयः। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, भगवान भाष्यकार ने ये जो दो वरदान था, इन दोनों वरदान का उपसंहार किया, वो एक बार फिर से उसको एक बार देख लो। एतावद् ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम्। इतना ही जो वेद का मंत्र और ब्राह्मण का भाग है, जिसके अंतर्गत विधि और निषेध का वर्णन है, उससे इतना ही प्राप्त हो सकता है। इतना ही अतिक्रांत माने इससे इतना ही व्याप्त है, यहीं तक पहुंच सकते हैं, इतना ही प्राप्त हो सकता है, इहलोक अथवा परलोक। बस जो यद वरद्वय सूचितम वस्तु, जो दोनों वरदान के रूप में बताया गया, न आत्मतत्व विषयम याथात्म विज्ञानम, अपने आत्मस्वरूप का वास्तविक विज्ञान या जो विधि निषेध है उससे नहीं होता। विधि निषेध जो कर्म की मीमांसा है उससे आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। इसीलिए यह जो अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि, इसलिए समझना चाहिए कि यह जो विधि निषेध का विषय है पूरा का पूरा, ये अपनी आत्मा पर अध्यारोपित है। फिर क्रियाकारक फलादि, ये जो क्रियाकारक और फल हैं वो भी अपने आत्मा पर अध्यारोपित ही है। क्यों? क्योंकि देह भाव ही अध्यारोपित है, चिदाभास भी अध्यारोपित है, तो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव ही अध्यारोपित है, तो इसके ऊपर उसके भीतर जो फल की कामना है, जो क्रिया करता है, वो सब का सब अपने आत्मस्वरूप पर अध्यारोपित है। और जो अध्यारोप होता है वो किसी क्रिया से दूर नहीं होता, क्योंकि अध्यास किसी क्रिया से नहीं दूर होता, समझने से दूर होता है। जैसे आकाश का नीलापन, अगर नीलिमा आकाश पर अध्यारोपित है तो आपके क्रिया से नीलिमा नहीं दूर होगी, बल्कि आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो उसी बात को कहते हैं स्वाभाविक। यह जो अध्यारोप क्यों हो गया, स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य, यह जो स्वाभाविक अविद्या है, अनादिकाल से चली आ रही है, सारे संसार का बीज है, उस स्वाभाविक अविद्या को, संसार के मूल को अगर निवृत्त करना है तो इसका विरोधी ले आओ। आत्मबोध का श्लोक, अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनवर्तयेत, विद्याम अविद्याम निहन्ते व तेजस्तिमिर संघवत। जो अविरोधी है, कौन अविरोधी है, बोले अज्ञान का अविरोधी है कर्म, मतलब दोनों में विरोध नहीं है। तो कर्म से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, कर्म से फल आदि मिल जाता है। अगर अविद्या की निवृत्ति करना हो तो उसके विपरीत को लाओ, जैसे अंधकार को दूर करना हो तो प्रकाश को ले आओ।
वो नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम, अपने आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त करो, तब समझ में आ जाएगा कि क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम। यह जो अपना आत्मा है उस पर ना कोई क्रिया है, ना कोई कारक है, ना कोई फल है, ये सब का सब अध्यारोपित था। जब ये समझ में आ जाएगा तो आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजन वक्त, जो आत्यंतिक निःश्रेयस की प्राप्ति होगी उसका उपदेश करना बाकी है। क्रिया कारक फल से रहित, कर्तृत्व भोक्तित्व से रहित, अज्ञान अविद्या से रहित जो स्वरूप है उसका उपदेश करना है वक्तव्यम। इसलिए उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, इसलिए आगे का प्रसंग प्रारंभ किया जाता है जो मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा। तो इस मंत्र में जो भाव था, या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, यह जो मनुष्य है, मनुष्य प्रेते, जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ के चला गया, प्रेते माने चला गया, तो इस शरीर को छोड़ के जब जाता है तो यह पंचभौतिक देह तो यही रह जाती है, और फिर अब उसके विषय में विचिकित्सा यानी संशय होता है। क्या संशय है कि दो मत हैं, दो विचारधाराएं हैं, एके अस्तिति एके, एके माने कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये शरीर छोड़ के गया तो है, कोई न कोई है, ना अयम अस्तिति च एके, दूसरे मत वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बचता उचता नहीं, बस शरीर छूटा सब खत्म हो गया। एतद विद्याम, इस विद्या को आप हमको बताइए, शिक्षित करिए, यही मेरा तीसरा वरदान है। अगर इस देह इंद्रिय मन बुद्धि से व्यतिरिक्त कोई तत्व है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका स्वरूप क्या है, वो है कैसा, है कैसा। तो वहाँ पर दो तरीके से बताया जाएगा ना, अन्वय और व्यतिरेक तरीके से। व्यतिरेक का तरीका नेति नेति निषेधात्मक, और अन्वय का तरीका होगा सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, या जो होगा ये अन्वय का तरीका होता है। तो ये दो ही तरीके से उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है। तो वो है तो उसका स्वरूप क्या है, फिर उसको जानने का साधन क्या है। जब हम जानने के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें बाधाएं कौन कौन सी आएंगी, प्रतिबंध क्या होगा, इसकी चर्चा सब जगह की जाती है। शायद अभी हमने कभी सुनाया था, पांच प्रतिबंध होते हैं वर्तमान में। प्रतिबंध ओ वर्तमानश्च विषयाशक्तिरेवच प्राज्ञमन्दस्य कुतर्कश्च विपर्ययो दुराग्रह, शायद पंचदशी का ही है, पंचदशी का ही है। भूतकालिक प्रतिबंध, भविष्यकालिक प्रतिबंध और वर्तमानकालिक, तो वर्तमान में ये पांच मना बताए गए हैं। तो ऐसे प्रतिबंध क्या हैं, फिर उनको दूर करने का साधन क्या होगा, ये सब हमको समझाइए। इसलिए कहा एतद विद्याम, ये समस्त विद्या को, ब्रह्म विद्या के विषय में जितनी भी चीजें हैं, स्वरूप क्या है, कैसा है, जानने का उपाय कैसा क्या है, उसमें प्रतिबंध क्या होगा, प्रतिबंधों को हम दूर कैसे करें, ये सब आप हमको बताइए। एतद् विद्याम विजानीयाम, ये मैं जानना चाहता हूँ, अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया, आप हमको बताइए, ये मेरा तीसरा वरदान है। एक पंक्ति देखते हैं, किम अयम एकांततो निःश्रेयस साधन आत्मज्ञानरहो न वा इति एतत् परीक्षणार्थम आह। किम अयम, अयम माने या नचकेता, किम अयम, अबे यम देवता के मन में बात आ रही, उनके मन की बात है, किम अयम, क्या ये है नचकेता, एकांततो, एकांततो माने चित्त वृत्ति जिसमें बहुत अच्छी तरह से लग जाए, अतिशयन, अतिशयन माने बस यही चाहिए इसको, क्या ऐसा इसके मन का भाव है, एकांतता, एकांतता माने एक में ही अंत हो जाए जिसका, अतिशय पूर्वक एक में, यही चाहिए हमको, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, क्या ऐसी इसके भीतर भावना है। निःश्रेयस साधन,
ये वो परम तत्व आत्मस्वरूप निःश्रेयस प्रयोजन को ये जानना चाहता है, निःश्रेयस चाहिए इसको, आत्मज्ञान अर्हो, आत्मज्ञान के योग्य है, लायक है ना वह, या आत्मज्ञान के लायक नहीं। अधिकारी का थोड़ा सा परीक्षा तो करनी ही पड़ती है कि नहीं है, इसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। कभी कभी आदमी जो है ना चलते फिरते भी सुन सुना के पूछ लेता है, वहाँ ऐसे चार लोग बात कर रहे थे, महाराज आप बताओ क्या है। हाँ, अब वहाँ अगर कोई चार लोग बात कर रहे थे तो मैं क्यों बताऊँ, जाओ उन्हीं से पूछो, या जिसके मन का प्रश्न होगा वो आएगा तो मैं बताऊँगा। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, जिसने पूछा है उसको कह दो कि जाओ पूछो। हाँ, एक बार हमारे ब्रह्म चैतन्य जी ने फोन किया, स्वामी जी जो है यहाँ पर ऐसे कोई बात हो रही, इसका क्या मतलब। हमने कहा जो चर्चा कर रहे हैं उसको कह दो आओ जाओ स्वामी जी के पास। नहीं आया ना, फिर वो नहीं आया। तो ये बालक इस आयु में 7-8 वर्ष के आयु में अगर आत्मज्ञान की बात पूछता है तो वास्तव में जिज्ञासु है कि नहीं है। आत्मज्ञान अर्हो, इसके भीतर ज्ञान की पूरी तरह से चाह है, ज्ञानार्थी है या नहीं। हाँ, चाहे तो यहाँ पर जो चार शब्द दिए जाते हैं ना, अर्थी, समर्थी, विद्वान, अभिपर्योस तदा अधिकारिणो भवति। अधिकारी के निरूपण में चार चीज बताई जाती। अर्थी, अर्थी, अर्थी माने जिस चीज को चाहे उसी की चर्चा करो ना। अब अगर हम अब उस सामने वाले को चाहिए नहीं और मैं जा करके ब्रह्म विद्या की चर्चा करना शुरू कर दूं तो बोले फिर वही होगा, भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी प्रवाह, उसको क्या पता। तो सामने वाला चाहे ना, अर्थी, अर्थी माने वो चाहता है जिस चीज का, उसको बताया जावे। फिर दूसरी बात देखनी पड़ती है, सामर्थ्यवान है कि नहीं सामने वाला, अर्थी, समर्थी। हम जिस ज्ञान को बताना चाह रहे हैं ये धारण कर सकता है कि नहीं। हाँ, यही ना। अब भाई कोई बच्चा अब वो कहे कि हमको ये बढ़िया वाली चीज दे दो, तो हम भले कहें कि अर्थी तो है, चाहता तो है, लेकिन इसको खरीदने की सामर्थ्य इसमें है या नहीं है, इसका उपयोग करने की सामर्थ्य है कि नहीं है इसके पास में। खरीदने की सामर्थ्य ना हो और हम चाहें कि इतना बढ़िया घोड़ा मिल जावे, तो बोले सामर्थ्यवान भी होना चाहिए, उसकी सामर्थ्य को देखा जाता है। अब आप बहुत अच्छा पढ़े लिखे हो और छोटा बच्चा सामने आ गया 4th-5th class का, तो हम PhD का विषय नहीं पढ़ाएंगे उसको, क्योंकि अभी उसके भीतर धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। तो दूसरी चीज देखी जाती है सामर्थ्य। तीसरा होता है जिसको, यही गड़बड़ी होती है लगभग हमारी जो परंपरा में है, परंपरा में संत लोग क्रम से साधक को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस प्रक्रिया को समझो, 5 कोष का, फिर 3 शरीर का, फिर 3 अवस्था का, क्रम से। और जब परंपरा से नहीं होता तो सीधे तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, चिंता किस बात की, निर्द्वंद रहो। हाँ, ये लगभग होता है। हाँ, अब हो सकता है बहुत सारे जो है ऐसे। और जब वो परंपरा से नहीं, वो प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, जब नहीं गुजरेगा तो वो बात सुन लेगा, वहाँ एक काल्पनिक साम्राज्य भले बना सकता है लेकिन स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसीलिए कई बार कभी कभी कोई संत आते हैं तो देखना वो ग्रंथ नहीं पढ़ाते, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। हाँ, इनके एक बहुत खास प्रिय महात्मा हैं। हाँ, अब नाम मत दिलवाओ। बात तो अच्छा बताओ, वो सूर्य पुत्र है कि सूत पुत्र है, ये उन्हीं का बहुत ज्यादा बोलते हैं। कारण किसका पुत्र है, सूर्य पुत्र कि सूत पुत्र? कारण किसका पुत्र, सूर्य पुत्र या सूत पुत्र? सूर्य पुत्र माना क्या जाता है? हाँ, सारे लोग कहते क्या हैं, सूत पुत्र। तो धारणा क्या है समाज की, कि सूत पुत्र है, यही ना। वो अपने आप को भी कहता है कि मैं राधे हूँ, सूत पुत्र हूँ, है क्या वो? सूर्य पुत्र। ऐसे तुम हो। भाई तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, मानते क्या हो अपने आप को? जीव
मानते क्या हो संसारी, है ना, उन्हीं का है ना। हाँ तो कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से ग्रंथ से पढ़ाया कभी? ये कहाँ का उदाहरण है? वो तो संत का दृष्टांत होता है, लेकिन परम किस ग्रंथ के माध्यम से, वो कभी ग्रंथ नहीं पढ़ाते। अब इनके बहुत खास हैं। हाँ वो कुछ ऐसे महात्मा लोग हैं ना कि वो आ जाएंगे तो कुछ खास खास आएंगे, रेयर रेयर। हाँ अब जो भी है, लेकिन हमको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब क्या भगवान वेदव्यास या भगवान शंकराचार्य जी नहीं जानते थे क्या कि आत्मा ऐसा है? उसके बावजूद भी वो भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं देह है, पांच महाभूतों से बना है, पांच महाभूतों के जो है अमुक अमुक तमोगुण का पंचीकरण किया गया है। क्यों क्यों भगवान भाष्कर लिख रहे हैं, तत्व बोध में परिभाषा एक एक शब्द की लिख रहे हैं, विवेक चूड़ामणि में लिख रहे हैं, क्यों? वो तो जानते हैं, सीधे कह दें कि तुम आत्मा हो, बोले नहीं, उसकी सामर्थ्य को पहले तैयार किया जाता है। सामर्थ्य? हाँ, तो वो क्रिया से सामर्थ्य बढ़ता है, उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी धारण करके। जब उसकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी तब हम उसको बताएंगे ना। तो अर्थी समर्थी। और तीसरा लक्षण देखा जाता है साधक में, विद्वान। वो समझदार भी हो ना, अगर समझदार ना हो और उसको तलवार दे दो तो अपने ही हाथ काट लेगा ना। समझदार होना चाहिए, विद्वान। आप कोई मशीन दे दो किसी को चलाने ना हुए, अब इनका कैमरा दे दे मैं किसी को कैसे, वो तोड़ देगा कैमरा, किसी को भी दे दो नहीं आता उसको, तो उसके बारे में उसको समझना भी पड़ता है, विद्वान। ठीक है, अर्थी समर्थी विद्वान। और अंतिम बात है अभिपर्युहु, शास्त्र के द्वारा अनाधिकारी न घोषित किया गया हो, शास्त्र उसको बिल्कुल अधिकारी मानता हो, शास्त्र सम्मत हो, अशास्त्री ना हो। हाँ नहीं तो सन सुजाती हमको वहाँ पर ला सकते हैं, या जैसे कोई ही अनाधिकारी, मतलब जैसे ऐसा माना गया कि अगर एक अंग नहीं है, आँख ओंख नहीं है, तो उसको राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। एक हो गया, क्या हो गया, चाहता है सिंहासन, चाहता है, सामर्थ्यवान भी है, पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं ना समझ नहीं है, विद्वान भी है, लेकिन क्या है, शास्त्र के अनुसार वह अनधिकृत है, अधिकृत नहीं है, तो वो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, भले चाहता हो, भले उसके पास सामर्थ्य भी हो, विद्वान भी हो, लेकिन अश्वमेध यज्ञ राजसो यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता। क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर है तो वह बृहस्पति सव नाम का यज्ञ सोम यज्ञ नहीं करेगा, वो अश्वमेध यज्ञ करे, राजसो यज्ञ करे क्षत्रिय। तो शास्त्र जिसको अनधिकृत ना करे, ये चार चीजों को देखना पड़ता है, तब हमको उपदेश करना पड़ता है सामने वाले को, अर्थी समर्थी। इसलिए कह रहे हैं निश्रेयस साधन आत्मज्ञान रहो, आत्मज्ञान के योग्य है नावा या आत्मज्ञान के योग्य नहीं है, इति एतत् परीक्षणार्थम, ये परीक्षा करने के लिए यमराज जी ने अब बोलना शुरू किया, प्रलोभन देना शुरू किया। पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेय मणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामो परोत्सि रतिमा सृजैनम्। देखो देवैहि अत्रापि विचिकित्सितं पुरा, पुरा देवैहि, पुराने समय में, प्राचीन समय में, बहुत पहले की बात है। अत्रापि माने इस विषय पर, यह जो विषय तुमने पूछा है नचिकेता, इस विषय में, किस विषय में, हाँ ब्रह्म विद्या के बारे में, आत्मस्वरूप के बारे में, तो इस विषय में देवताओं के मन में भी पहले विचिकित्सितम संशय हुआ था, देवता लोग भी ठीक ठीक इस ज्ञान को समझ नहीं पाए थे। ये समझ करके विचार करो तो कितनी ईश्वर की कृपा है, कम से कम सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, भगवत कृपा है, देवताओं को भी ये
दुर्लभ विषय है। देवैः अत्रापि, अत्रापि माने इस विषय में देवता लोग भी संशय वाले थे, संशयग्रस्त थे। क्यों कहते? ना ही सुविज्ञेयम्, सुविज्ञेय माने बहुत अच्छी तरह से जाना नहीं जाता नचिकेता, सुविज्ञेय नहीं है। जैसे यह फूल है और इस फूल को देख लो तो आप कह सकते हो कि मैंने इस फूल को देख लिया, ऐसे आत्मा नहीं है कि कोई देख लेगा, ऐसे सुविज्ञेय नहीं है। क्यों? अणु ही एस धर्मा, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जो वस्तु सूक्ष्म होती, अच्छा हाँ कोरोना वायरस को दिखाओ, सब पट्टी बांधे घूम रहे हैं, मेरे आश्रम में भी पट्टी बांधे घूम रहे हैं मुंह में, है ना, हम सब कमरे के अंदर घर आश्रम के अंदर बैठे, कैसा होता वायरस दिखाओ, दिखेगा नहीं आंख से, आंख से वो दिखने वाली चीज नहीं है। फिर वो कैसे बोले, उसको ऐसे रखेंगे कहीं पर और ऐसे मशीन लगाएंगे, उसको 1,00,000 गुना बड़ा कर देंगे, 10,000 गुना बड़ा कर देंगे, तब कहीं पर वो छोटा सा दिखाई पड़ेगा। फोटो तो टीवी में पेश पड़ते हैं। हाँ, उसको इतना बड़ा कर दिया ना, है इतना सा, वो आंखों से दिख नहीं रहा है, सुविज्ञेय नहीं, लेकिन उसको इतना बड़ा कर दिया मशीन से, कंप्यूटर से, तब वो आपको ऐसे दिखता है कि ऐसे ऐसे होएगा, यही ना। हाँ, कैसा वो सूक्ष्म, बहुत सारी चीजें जो सूक्ष्म होती हैं उनको ऐसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। हाँ, अच्छा मोबाइल की आवाज़ चल रही है दिखाओ, टीवी की आवाज़, टीवी के किरणें आ रही हैं आप दिखाओ, कैसे पता लगेगा? तो अणु एस, जो सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, जिसका स्वरूप, उसको नेत्रों से देखा नहीं। ये हमारे यहाँ पर एक दर्शन है, समझना, जैसे हम एक चीज़ को ले में, इसको लिया तो हमने मान लो छोटा सा बिल्कुल, तो एक को कहते हैं अणु, दिखाई नहीं पड़ता, दो जुड़ गया तो उसको हम कहते हैं दुई अणु, दो चिपक गया तो दुई अणु हो गया, ये भी दिखाई नहीं पड़ता। फिर तीन जुड़ जाता है, उसी के बराबर बराबर तीन जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं त्रस रेणु। वह जो त्रस रेणु होता है वो आपको दिखाई पड़ सकता है, कब? जब कभी सूर्य निकलें, सूर्य भगवान निकलें, आपकी खिड़की खुली हो, अंदर कमरे में हो, तो खिड़की से जब सूर्य की रोशनी अंदर आवे तब उसमें देखना छोटे छोटे बहुत सारे उड़ते दिखाई पड़ते हैं। हाँ, उसमें देखोगे ना तो बहुत सारे छोटे छोटे, जब सूर्य की रोशनी ऐसे आए तो उसमें वो छोटे छोटे उड़ते दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। वह जो बिल्कुल छोटे छोटे उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं उसमें तीन जुड़ा हुआ है, त्रस रेणु, तब वो भी दिखा, अगर वो किरण ना आ रही हो तो वो भी नहीं दिखेगा, कमरे में है, कमरे में है लेकिन दिखेगा नहीं, जब किरणें पड़ती हैं तो दिखाने लगता है, वो तीन जुड़ा हुआ है। अब तीन में से एक निकाल लो उतने में से तो दो ही रह गया, दो से निकाल लो तो एक ही बचा, अब वो कैसे दिखेगा? तो ऐसे ही यह सुविज्ञेय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म से है सूक्ष्म, जो वस्तु सूक्ष्म होती है उसको जानने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हे नचकेता, देखो दो हेतु दिया, वैसे दो हेतु दिया, यह सूक्ष्म तत्व है इसलिए बहुत आसानी से जाना नहीं जा सकता, देवता लोगों को भी किसी समय पर इसमें संशय हुआ था। कब संशय हुआ था देवता लोगों को? केनोपनिषद, हाँ तुरंत ले आओ, जब वो यक्ष प्रकट हुआ था देवता लोग पहचान नहीं पाए थे, तो देवता लोगों को भी संशय होता है। इसलिए अन्यम वरम नचिकेतो वृणुष्य, कोई तीसरा दूसरा वर मांग लो। मा उपरोत्सी, मा उपरोत्सी ही, मा बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उपरोत्सी मारे मेरे ऊपर, मेरे ऊपर आकर के ओ दबाव मत दो, हमारे ऊपर दबाव मत दो। भगवान भास्कर इसको कहते हैं, और इसका होता है भाव कि जैसे एक कोई आदमी कर्जा ले लेवे तो हम उसके दरवाजे पे खड़े होकर के और उसको धमकी देवे, मेरा पैसा लाओ, और कहाँ पर उसके सर पे खड़े होकर के सवा दरवाजा, मेरा धन लाओ जो तुमने लिया था, उधार दिया नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? जिसने कर्जा लिया था उसको आप
उसको दबा रहे हो, अनुनय भी नहीं, और दूसरा वाला करेगा, दूसरा वाला हाथ जोड़ के अनुनय करेगा, मोहलत दे दो, है ना। तो आप उसको ऊपर दबाव दे रहे हो ना, नचिकेता दबाव दे रहे हो। हाँ, तो वही कह रहे हैं, नचिकेता मुझको दबाव मत दो। माँ माँ उपरोत्सी आति माँ सृज, आति माँ सृज एनम, सृज माने छोड़ दो, इस वरदान को छोड़ दो, आतिमा इसको मेरे लिए छोड़, जैसे कहते इसको हमको रहने दो, हमारे पास रहने दो, मेरे लिए छोड़ दो, हाँ इसको मेरे पास रहने दो, ये चीज छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो, ये वरदान छोड़ दो, अन्यम वरम वृणीस्व, कोई और वरदान मांग लो, हमको दबाओ मत, हाँ जबरदस्ती मत करो। हाँ भाष्य देखते, देवैः अपि देवैः अपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा पूर्वम्। नहि सुविज्ञेयं सुष्ठु विज्ञेयं श्रुतम् अपि प्राकृतैः जनैः यतो अणुः सूक्ष्म एष आत्माख्यो धर्मो अतः अन्यम् असन्दिग्धफलं वरं नचिकेतो वृणीष। करें देवैः अपि, देवता लोग भी, देवई माने जैसे कह सकते हो ना कि देवता कौन होते हैं भाई, देवता तो ये है ना कि एक झटके में वो प्रकट हो जावें, फिर अचानक वो अंतर ध्यान भी हो सकते, ऐसी सामर्थ्य तो है कि वो प्रकट भी हो सकते हैं और अंतर ध्यान भी हो सकते, लेकिन आत्मा को जान सके ऐसी सामर्थ्य उनमें भी नहीं। देवैः अपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि, एतस्मिन् वस्तुनि इस आत्मा के बारे में विचिकित्सितम् संशयितम्, संशय हुआ था, मतलब देवता लोग भी जल्दी से जान नहीं पाते। आप लोग तो बड़ी जल्दी जान गए कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, ओहो आप तो आत्मा हो, लेकिन देवता लोग भी जल्दी जान नहीं पाते, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं पूरा पहले। ना ही सुविज्ञेयम सुष्ठु विज्ञेयम, बहुत आसानी से जाना नहीं जा सकता, श्रुतम अपि सुनने के बाद भी, सुनने के बाद भी ये आत्मा का ज्ञान जल्दी ही नहीं होता। बताओ, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं सालों साल, किसके द्वारा, प्राकृतैः जनैः, प्राकृत जनों के द्वारा। ये जो प्रकृत शब्द है ना, प्रकृति कहते हो ना आप, प्रकृति, प्रकृति के तीन गुण सत्व रजतम, फिर उसके पांच महाभूत, यही ना जिससे सारी सृष्टि बनी, तो प्रकृति के अनुसार ही जो जीता है उसको हम कहते हैं प्राकृत। हाँ प्राकृत, यहां पर ध्यान देना, तो यहां है प्राकृत, प्राकृत माने प्रकृति के अनुसार ही उसका जीवन है, उसको हम कहेंगे प्राकृत। हाँ प्रकृत, इसमें आ की मात्रा ना हो तो उसका अर्थ निकलेगा विषय, प्रकरण, जैसे जैसे प्राकृत है ना, केवल प्राकृत हो, आ की मात्रा ना हो तो हम कहेंगे जो प्रकरण चल रहा है, जो विषय चल रहा है उस विषय में, और प्राकृत माने हो जाएगा प्रकृति के, भाई भूख लगा खा लिया, प्यास लगा पानी पी लिया, नींद आया सो लिया, मन में आया गाली दे लिया, मन में हुआ कि डंडा मारूं उठाया डंडा मार लिया, तो आप कैसे जी रहे हो फिर, फिर आपका जीवन जो है संस्कारित नहीं है। हमारे जीवन में संस्कार की जरूरत है। हाँ जैसे समझो हमारे आश्रम में पेड़ लगा है, पेड़ अपनी मर्जी से डालियां उसकी बढ़ने लगती हैं, हाँ चारों तरफ फैलेगी, आप उसके अनुसार फैलने दो तो आप कहोगे फिर जंगल हो जाएगा, फिर हमारा सुंदर बगीचा नहीं। सुंदर बगीचा कब होगा, जब आप कैंची लेकर के उसकी डालियों को काटोगे छांटोगे, तभी तो ना। हाँ केवल प्रकृति के अनुसार जीवन नहीं होता। हाँ अब अगर कोई कहे कि ये ज़्यादातर बहुत इस पर विवाद है, बहुत विवाद है, खास करके आजकल के जो मनोचिकित्सक लोग कहते हैं, वो कहते हैं दमन नहीं करना चाहिए, हाँ प्रकृति के अनुसार, तो हम कहें प्रकृति के अनुसार जीवन रहो तो सबसे पहले दाढ़ी मूछ क्यों बनाते हो, उन्हीं से पूछें आप दाढ़ी क्यों बनाते हो, क्योंकि प्रकृति ने हमको दाढ़ी दिया है, आप क्यों बाल बनाते हो, प्रकृति ने नहीं दिया है, आप क्यों पहनते हो, और प्रकृति ने जो अन्न दिया है उसको आप पकाते क्यों हो,
प्रकृति के अनुसार जियो आप उसमें 10 चीज को मिलाते क्यों हो? फल है, उस फल में भी 4 चीजें मिलाए, आप फ्रूट क्रीम बना रहे हो क्यों? प्रकृति के अनुसार जीने वाला पशु होगा, बिल्कुल से प्रकृति के अनुसार। पशु भी कम से कम उसके भी नियम होते हैं, डिस्कवरी वगैरह में दिखाते नहीं कि जानवरों का झुंड होता है तो उनके भी अपने अघोषित नियम होते हैं, उनका एक सरदार होता है। जैसे बंदरों का भी होता है तो बंदरों का भी एक उनका जासूस होता है जो डाल पे बैठा रहता है और देखता रहता कहीं से कोई खतरा तो नहीं। एक मुखिया होता है, हाँ वो सब होता है उसके पूरे के पूरे। हाँ तो ऐसे सब जीवों में देखो प्रकृति में जो है यह 5 महाभूत प्रधान हो गए। स्वभाव में जीव का स्वभाव लाना पड़ेगा ना आपको, किसका? जीव का आएगा। जीव के भीतर क्रोध आया, कामना आई, लोभ आया, मोह आया, हा? तो थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा अंतर आवेगा। तो हाँ प्राकृतई ही, वैसे टीकाकार ने एक लाइन लिख दिया, प्रकृतौ भाव इति विग्रह, विवरणो पामरो नीचा प्राकृतश्च पृथक जना, निहीनो अपसदो जालमा क्षुल्लकश्चेतरश्च इति अमरः। अमरकोश में ऐसा प्राकृतिक जनों का वर्णन आया, अमरकोश में ऐसा निरूपण किया, बढ़िया है। मतलब जो अपनी देखो विवरणों माने अपने वर्ण के अनुसार व्यवहार न करे, यहाँ से शुरू किया। अब कम से कम हम लोग तो इस पर बिल्कुल इस पर थोड़ा सा व्यवहार पर भरोसा रखना चाहिए। आप विद्यार्थी हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, तो अपने वर्ण के अनुसार व्यवहार करो, विवरणों ना हो गए। हाँ बोले सब मनुष्य एक हैं, हाँ एक, और फिर वो क्या बोलने के, एक नूर ते सब जगह उपजिया, एक उनका है एक नूर ते सब जग उपजिया। अरे एक नूर से उपजा बिल्कुल सही बात है, फिर भी एक पुरुष है, एक स्त्री है, हाँ एक पशु है, एक भैंस है और एक गाय है, एक शेर है, उसी से तो उपजा, तो भेद तो करना पड़ेगा, व्यवहारिक भेद करना पड़ेगा। हमारे शरीर है, हमको भेद करना पड़ता है, बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे बताया प्राकृतई जने माने जो बिल्कुल प्रकृति के अनुसार जीते हैं, बस जिनके भीतर समझ लो ज्यादा अकल नहीं है। हाँ या तो अणुहु सूक्ष्म एस आत्माख्यो, क्यों नहीं जान पाते प्रकृति जन लोग? क्योंकि ये आत्मा अणु है, अणु माने सूक्ष्म है। एस आत्मा, ये जिस आत्मा के बारे में तुम पूछ रहे हो, ये सूक्ष्म है, अणु स्वरूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए इसके बारे में जानने भी चलोगे तो असंदिग्ध फलम। हाँ असंदिग्ध फलम माने भाई कोई काम करो और उसका फल पता नहीं मिले कि न मिले, तो उस रास्ते पे चलोगे, उस काम को करोगे जिसका फल के मिलने में संशय हो। हाँ और एक दूसरा काम है जिसके करने में फल पक्का है, दो काम हो गए, एक के करने पर कोई ना कोई फल मिलेगा निश्चित है, दूसरे के करने पर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो समझदार आदमी कौन सा काम करेगा? बोले जिसका फल पक्का है वही तो करेगा। करें अनधर्माः अतः अन्यम असंदिग्ध फलम, दूसरा जिसका फल निश्चय मिल जावे। हाँ अब इसमें भाई आप 50 साल साधना करते रहे और फिर कह देते हो कहीं पहुंचे नहीं, कुछ हुआ नहीं, ये तो सत्संगी लोग ऐसे बोलते हैं, महाराज 12 साल हो गया, 20 साल हो गया सत्संग सुनते हुए, कुछ हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? बोले लाइट वाइट जली नहीं अंदर से कुछ, अभी आसन हल्का उल्का हुआ नहीं आकाश में, क्यों? तो आप क्या कह रहे हो कि हम साधना करते गए लेकिन फल हमारा अभी ही हुआ, तो क्या हो गया? संदिग्ध फल हुआ। और ऐसा वरदान मांग लो जिसमें फल असंदिग्ध हो गए, मिली जावे, कुछ ना कुछ तो मिली जावे, असंदिग्ध फल। भरम नचकेतो वृणीस्व,
नचकेता ऐसा वरदान मांग लो जिसका फल कुछ ना कुछ मिल ही जावे, खाली हाथ ना रहो। अच्छा यहाँ का यही है, अर्जुन का प्रश्न आया ना, अर्जुन ने कहा कचिन नो भय विभ्रष्टा। हाँ ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से साधना के मार्ग पे चले गए तो हमने संसार का सुख छोड़ दिया तो हमसे संसार गया और वो भी हमको मिला नहीं, अब बीच में शरीर की आयु पूरी हो गई, प्रारब्ध पूरा हो गया, शरीर छूट गया तो हम कैसे हो गए, यहाँ का सुख छोड़ा हमने और वहाँ का मिला नहीं तो हम तो एक बादल के जैसे छिन्न भिन्न हो गए। कौन सा अध्याय? हाँ छठा अध्याय ना। हाँ नहीं अब दूसरी लाइन जो है वहाँ का, वहाँ दूसरी जगह मत जोड़िए ना। हाँ तो एक ऐसी स्थिति नहीं, तब भगवान फिर वहाँ कहेंगे योग भ्रष्ट का वहाँ पर विषय ले आएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि इसका फल पता नहीं मिले ना मिले, तो अन्यम वरम दूसरा कोई वरदान मांग लो। हाँ फिर आगे कहते माँ माम मोपरोत्सी माँ उपरोत्सी उपरोधम माँ कार्षी, उपरोधम माँ कार्षी मतलब दबाव मत डालो, हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालो। अधर्मणम इव उत्तमरण, अधर्मणम अधर्मणम का जो है अधर्मणम इव उत्तमरण करें, अनेन आहम अधर्मणस्तम च उत्तमरणम इति त्वया तथैव उपरोधा कर्तव्यो न अन्यथा अयम वरा लभ्य। वही भाव जैसे कि साफ साफ कह दिया कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव मत डाल, माँ माँ उपरोसी उपरोधम माँ मेरे ऊपर दबाव मत डालो। वही दबाव जैसे दृष्टांत क्या दिया था, जैसे वो कर्जा वाला कि नहीं हमारा चुकाओ ही चुकाओ चुकाओ ही चुकाओ, ऐसा नहीं। आतिश्रिज विमुंच एनम वरम माँ माम प्रति, आतिश्रिज आतिश्रिज ये मंत्र में है, मंत्र में देखोगे माँ माँ उपरोत्सी ही ठीक है, और फिर होगा अति वहाँ पर भी रा हो जाएगा ना, अति माँ सृज आति माँ सृज फिर सृज धन एनम। हाँ एनम माने इस वरदान को हमारे लिए छोड़ दो, आति माँ आति आति सृज आति सृज माँ इस वरदान को मेरे लिए छोड़ दो, आति सृज विमुंच एनम वरम इस वरदान को मेरे लिए छोड़ दो। ए जमराज ने नचकेता को पहले यहाँ पर थोड़ा सा हिलाया, दूसरा मंत्र एव मुक्तो नचकेता आह, जब ऐसा यमराज ने कहा कि ये विषय में देवता भी संशयशील थे, बहुत सूक्ष्म है आसानी से जाना नहीं जाता, कोई और वरदान मांग लो, पक्का वाला मांग लो, इसमें डाउट है। हाँ इसमें इसमें संदेह वाला है मिले ना मिले, तो ऐसा मांग लो जिसमें पक्का ही हो जावे। तो नचकेता क्या कहता है, देखो ऐसा बुद्धिमान हो, इस ये विवेक है बालक में, ये विवेक जगा है, ये दिखाना है। वो साधन चतुष्टय में क्या आता है, चार होता है ना, विवेक वैराग्य शम दम उपरति तितीक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षुत्व। तो यहाँ पर अब विवेक देखना कैसा करता है। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्ययेतस्य कश्चित्। नचकेता कहता है देवैः अत्रापि विचिकित्सितं किल। अच्छा महाराज जी यमराज जी इस विषय में देवैः अत्रापि अत्राप माने इस विषय में देवताओं को भी निश्चय संशय हुआ था, आप ऐसे कह रहे हो, बिल्कुल आप ऐसा कह रहे हो हाँ कि देवताओं को भी इस विषय में संशय हुआ था, पहली बात।
स्वीकार किया, निश्चय, किल माने निश्चय। तो हम च मृत्यु, और हे मृत्यु देवता, हे यमराज जी, आप भी, त्वम, आप भी क्या कह रहे हो, यत न सुविज्ञेयम, ये आत्मा का ज्ञान आसानी से नहीं होता। ये दो बात को बिल्कुल उसने स्वीकार कर लिया। जम देवता, आप अगर कह रहे हो कि देवता को भी संशय था तो माना, आप कह रहे हो कि बहुत सूक्ष्म है तो वो भी बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि आप अगर कह रहे हो कि वो सूक्ष्म है, इसका मतलब आप जानते होंगे, आप अगर कह रहे हो कि इस विषय में देवताओं को भी संशय था तो आपको तो पता है ना, आपको तो जान, आप जानते हो ना। तो वक्ता चा अस्य त्वादृक अन्यः, त्वादृक आपके जैसे, त्वादृक वक्ता अन्यो न लभ्यः, दूसरा हम कहां पाएंगे। इतना अच्छा मौका है, बताइए, इतना गंभीर विषय जिसको देवता भी नहीं समझ पाए, जो आप भी कह रहे हो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसको और तो कोई बता नहीं पाएगा, और आज आप मिल गए हो, आप हमको बता भी सकते हो, तो हम इसको छोड़ के तीसरा वरदान और दूसरा वरदान हम क्यों मांगे। आप हमको इस विषय का ज्ञान दीजिए। अच्छा, एक चीज है ना, जैसे दो तरह के लोग होते हैं, किसी को अगर जरा सा खतरा बताओ, डर बताओ, तो आदमी काम छोड़ देता है, और किसी को कह दो कि ये वाला जो काम है चार लोग नहीं कर पाए थे, तो उसके भीतर पक्का होता है कि जब चार नहीं कर पाए थे तो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा होता है किसी किसी में ना। तो जब देवता लोग इसको नहीं जान पाए, तब इससे बढ़िया तो कोई वरदान हो ही नहीं सकता, मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं जान पाए मैं जानूंगा, प्रकृति जन लोग नहीं जान पाते मैं जानूंगा। हाँ, मतलब थोड़ा अगर समस्या देख करके अगर घबरा के पीछे मुड़ जावे तो फिर वो साधक नहीं होता। हम लोग खास करके अपने अध्यात्म के जगत में आप देखोगे, वेदांत के सत्संगी लोग थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, जरा सी कोई बाधा आती है, सत्संग, स्वामी जी, सबको छोड़ के घर बैठ जाते हैं। सत्संग भी छोड़ दिया, स्वामी जी को भी छोड़ दिया, और बहुत सारे लोग तो ग्रंथ व्रंथ भी छोड़ देते हैं, किसी लाइब्रेरी में दे आते हैं। हाँ, कहाँ फंसे थे, हाँ, 10 साल से जो है, तो क्या हो गया, बोले साधन भी छूट गया, श्रद्धा विश्वास भी किनारे हो गई। क्यों, बोले इतने साल तो हो गया करते हुए, अपने सामने तो बहुत सारे दृष्टांत हैं, दृष्टांतों की तो कोई कमी है नहीं, हमारे लखनऊ में बहुत सारे दृष्टांत हैं, लखनऊ में बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो अगर किसी को कहा जाए कि ये मार्ग कठिन है, छोड़ दो इसको, और उसके भीतर एक भीतर से आत्मबल होवे कि अगर कठिन है, सब नहीं कर पाते, तो मैं करके दिखाऊंगा, एक बहुत आप लोगों के लिए खास करके कहूं, अध्यात्म के मार्ग पर 50 लोग चले, 50 लोग चले, और उन 50ों में से 40 फेल हो गए। हाँ, उनके मन का वही राग द्वेष बना रहा, वही से रहे, 50 लोग महात्मा बने, चलो मैं कह रहा हूं 50 लोग महात्मा बने लाल कपड़े में, 40 फेल हो गए, राग द्वेष भी है, लोभ भी है, भंडारा भी खाते हैं, सब हो गया, 5 पहुंच गए। तो अगर चर्चा होती है तो सामने वाला चर्चा किसकी करेगा, दृष्टांत किसका देगा, वो कहेगा हमको फलनवा के जैसे नहीं बनना, किसकी चर्चा करेगा जो फेल हो गया, वो तो देखो बड़े ताव में गए थे, कुछ कर नहीं पाए, किसकी किसकी चर्चा कर रहे हैं, जो जो 40 फेल हो गए उनकी चर्चा कर रहे हैं, आदर्श उसको नहीं बना रहे हैं जो उसमें 4 पहुंच गए, 4 आगे बढ़ गए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो किनारे हो गया, लेकिन वो जो निगेटिव में गए वो भी तो गए थे बहुत छोड़ करके, महान पुरुष हरिद्वार तो गए थे, भाग गए ना लौट के, यही ना, जो और 10 गए और आगे निकल गए उसकी चर्चा नहीं, वो जो निगेटिव पर दृष्टि जाती है ना, मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे आप लोग कि नहीं समझ रहे यार, अपने चित्त में आप किसको केंद्र में रख के चर्चा कर रहे हो, किसको, पॉजिटिव दृष्टि से या निगेटिव दृष्टि से,
हाँ यही तो हुआ ना। जैसे अब हमारे शिष्यों में से कोई एक शिष्य है, हाँ वो घर चला गया वापस, कोई चर्चा करेगा वो तो गए थे बड़े तवा में भाग गए, यही ना। जो और 10 निकल गए उसकी चर्चा करो ना, हाँ उसकी चर्चा करो ना। हाँ आप कह रहे हो नहीं उसके जैसा हमको नहीं बनना, वो फलनवा किससे बढ़िया तो हम ही घर पे हैं, उससे बढ़िया तो घर पे हम ही हैं, तो पड़े रहो घर पे वही लड़ाई झगड़ा करते हुए। आपने अपने चित्त में प्रमाण किसको बनाया? हाँ इस मार्ग पर तो एक अगर निकलता है कोई और निकल गया वही हमारे लिए प्रमाण है, एक निकल गया। 90 फेल हो गए तो उनके अपने लगन में कमी होगी। ए नचकेता की देखो दृढ़ता, अगर देवता लोगों को भी संशय हुआ था, यमराज कहते हैं देवता लोग इतने बड़े बड़े वो भी संशयग्रस्त थे इसलिए छोड़ दो। नचकेता कहता अगर देवता लोग भी संशय वाले थे इस विषय में तो यही सबसे बढ़िया वरदान है, मैं इसको जानूंगा। निष्ठा उसकी देखो, हाँ इससे बढ़िया और कोई वरदान? और फिर अगर मैं चला गया तो फिर दूसरी बार तो तुम्हारे जैसा आपके जैसा वक्ता हमको हो कहाँ मिलेंगे बताने वाले। ये मौका अच्छा है, इसलिए ना अन्य बरह कोई और दूसरा वरदान इसके बराबर हो नहीं सकता। एतस्य कश्चित् भाष्य देखते देवैः अत्रापि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम् किल इति भवतः एव नः श्रुतम्। एव नः श्रुतम् कह रहे देवैः अत्रापि इस विषय में देवता लोगों को भी देवताओं को भी एतस्मिन् वस्तुनि इसी वस्तु में विचिकित्सितम् माने संशय किल इति निश्चय पूर्वक हुआ था। भवता एव नः श्रुतम्, भवता माने आपके द्वारा ही हमने सुना, आपके द्वारा ही हमको ये पता लगा कि देवता लोगों को भी इस विषय में संशय हुआ था। और त्वम च अमृतो यद यस्मात् न सुविज्ञेयम् आत्मतत्त्वम् अथ कथयस्य। और आप भी देखो त्वम च अमृतो हे यमराज देवता आप भी यद यस्मात् क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो कि सुविज्ञेयम् यह तत्व न सुविज्ञेयम् न सुज्ञेयम् बहुत आसानी से जाना नहीं जा सकता ये आत्मतत्व अथ कथयस्य इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अतः पंडितैः उपदेश नियत्वाद् वक्ता च अस्य धर्मस्य तादृकत्व तुल्यो अन्यः पंडितश्च न लभ्यो अन्वेष्यमाणो अपि। कह रहे हैं आप भी ने कहा कि ये बहुत आसानी से जाना नहीं जाता और अथ कथयस्य अतः पंडितैः उपदेश नियत्वात् पंडितैः उपदेश नियत्वात् नहीं उपवेदन तो नहीं होगा। पंडितैः माने पंडित पंडितों के द्वारा भी उपदेश देने पर ये आत्मस्वरूप को जाना नहीं जा सकता तो क्या है वहाँ भाष्य में नहीं वो वैसे वेदन भी जानने की अर्थ में ही होगा जो भी जानने की अर्थ में होगा लेकिन अब वेदन एक क्रिया हो गई ना अपने भीतर हो जाती है विधि क्रिया आ जाएगी। यहाँ उपदेश का जो है पंडितों के द्वारा उपदेश देने पर भी पंडितों के द्वारा बताए जाने पर भी अपना ये आत्म तत्व को ठीक ठीक जाना नहीं जा सकता। वक्ता च अस्य धर्मस्य वक्ता वक्ता माने जो इस विषय में जो इसको बताने वाले हैं च अस्य धर्मस्य इस तत्व के बारे में त्वा धर्मस्य त्वात् त्वा अदृकत्वत् तुल्यो हो आपके जैसा कोई अन्य पंडितश्च न लभ्यः आपके जैसा कोई और विद्वान हमको मिलने वाला नहीं है। न लभ्यो कब अनविश्य माणो अपि हम अगर खोजने जाएंगे तो भी आपके जैसा विद्वान हमको बताने वाला नहीं मिले। हाँ बिल्कुल जाएंगे ढूंढेंगे हाँ और क्या अनविश्य माणो मतलब घोड़े से कहीं नहीं मिलते सही बात है और क्या। ये पहले भी था तो अभी भी तो है अभी भी है अभी भी शास्त्रों का पठन पाठन बहुत कम जगहों पर होता है ना बहुत कम जगहों पर सब जगह पर नहीं होता। आश्रम है
मंदिर हैं, भजन पूजन होता है, भागवत कथा हो जाती है, लेकिन अभी कल्याणी स्वामी जी कह रहे थे परसों कि अब शास्त्रों का जो है विचार कहाँ होता है, गिने चुने जगह पर। आप गिनो तो 10-15 जगह होगा भारतवर्ष में, 10-15 जगह पर हिम्मत करके कहा जा सकता है। पहले से भी काफी बहुत है। हाँ तो देखा जाए तो और पीछे के समय में हाँ हो सकता है। गुफाओं में जब दादा गुरुजी को हाँ जा करके जो है उत्तरकाशी में तो पहले भी दुर्लभ था, अभी भी दुर्लभ है, बस ईश्वर कृपा है तो फिर जो है अब आप लोग सुन लो। अब यह है कि आसानी से मिल जाता है तो उसकी थोड़ी कदर कम हो जाती है। आयम तु बारो निश्रेयस प्राप्ति हेतु, आयम तु बारह, यह जो वरदान है अब मैं समझ गया, ये वरदान जो मैंने मांगा था अब मैं समझ गया, निश्रेयस प्राप्ति हेतु यही परम कल्याण करने वाला है। वो दो माना जाता है ना, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, ये धर्म की परिभाषा किया गई गीता जी के उपोद्घात में है। ये वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है, वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा शायद यही किया है, वैशेषिक दर्शन में ये शायद, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जहाँ से जिस मार्ग पर चल करके अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वही धर्म है। तो कह रहे हैं निश्रेयस प्राप्ति हेतु यही वरदान परम कल्याण का साधन है, अतः न अन्यो वरह तुल्य सदृश अस्ति एतस्य, अतः एतस्य इसलिए इस वरदान के जैसा और कोई वरदान नहीं है। अतः एतस्य वरस्तुल्यः सदृशः न अस्ति, इसके बराबर कोई और वरदान नहीं। कश्चिद् अपि अनित्य फलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्रायः। देखो कह रहे हैं कश्चिद् अपि, कोई भी वरदान मांग लेंगे वो सब का सब अनित्य फलत्वात्, उसका जो फल होगा वो सब का सब क्षणभंगुर होगा, कोई भी वरदान का। अन्यस सर्वस्य वा, जो कुछ भी है जितने भी वरदान हो सकते हैं सब का सब, ये मंत्र में कश्चित शब्द है ना, एतस्य कश्चित, उसका भाव बता रहे हैं, एतस्य इस वरदान के अलावा और कुछ नहीं, कोई भी हम वरदान मांगेंगे उसका फल अनित्य होगा। कश्चिद अपि अनित्य फलत्वात्, कोई भी वरदान मांगेंगे उसका फल अनित्य ही होगा। अन्यस्य सर्वस्य वा, कुछ भी, इसलिए बस हमको यही वरदान चाहिए। एक मंत्र और पढ़ते, एवं मुक्तो अपि पुनः प्रलोभयन उवाच मृत्यु। इस प्रकार से जब नचिकेता ने कहा तब अब यमराज को लगता है बालक को समझ में नहीं आया कि मैं क्या क्या दे सकता हूँ। ये भी तो है ना भाई, सब सामने खिलौना दिखाओ तब बात करो। हाँ बस दुकान तो खोलो पहले। तब तो आप तो ऐसे कह देते हो कि वरदान छोड़ दो, दूसरा कोई मांग लो, तो क्या मांगे हो? हाँ तो फिर ठीक है, मैं खोलता हूँ फिर दुकान, चलो सुनो। फिर यमराज जी ने शुरू किया है, शतायुषा पौत्र पौत्रान वृणीश्व, बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान्, भूमेर्महदाय तनं वृणीष्व, स्वयं च जीव सर्दो यावदिच्छसि, शत आयुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, शत माने 100 साल की आयु वाले पुत्र मांग लो, ऐसे पुत्र जिनकी अकाल मृत्यु ना। अरे पुत्र क्यों, आगे का हिसाब लगा लो, पौत्र मांग लो, वो भी पौत्र भी कितने साल वाले, 100 साल वाले पुत्र पौत्रान। अच्छा पुत्र पौत्र हो जावे तो घर में थोड़ा सा घोड़ा वोड़ा भी चाहिए, बोले कोई बात नहीं वो भी मांग लो। बहून पशुन, कितनी गाय चाहिए, जितनी चाहिए सब मांग लो। अच्छा गाय हो तो चढ़ने के लिए हस्ती, हाथी मांग लो, बहुत बढ़िया जाए।
हिरण, हाँ बस अपने आप ही सब समझ में आ गया मंत्र तो। अच्छा बहुत कुछ हो, थोड़ा सा गहना होना, देवता लोग गहना होना पहन के चलते हैं तो सोना भी मांग लो, अश्वान घोड़ा भी मांग लो। अच्छा ये सब होवे और कहीं रखने की जगह ही ना होवे घोड़ा हाथी तो जगह भी तो चाहिए, तो वो भी मांग लो। भूमे महद आयतनम ब्रणेश्वर, कितनी जमीन जितना तुम्हारे मन में होवे, हाँ जितनी जमीन मन में होवे उतना तुम मांग लो, जितना एकड़ चाहिए, हाँ और क्या, अपनी मर्जी जितना मांग लो। बोले इतना सब होवे और इतना सब जब मिले तब उतने में हम निपट गए तो अगर हम ही मर गए तो, अब घोड़ा आया हाथी आया जमीन आया सोना आया तब तक मैं मर गया तो। बोले नहीं नहीं स्वयं च जीव, हाँ तुम भी जियो, कब तक सरदा 100 साल तक जियो, अरे यावद इच्छसि, जितना तुम्हारा मन हो उतने दिन तक जिंदा रहना। हाँ अब बताओ इससे बढ़िया वरदान क्या होगा, जितना जितना मन हो वे उतना, जैसे पितामह भीष्म को एक वरदान था ना, कौन सा, इच्छा मृत्यु का, तो जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम जिए, है ना, 100 साल तक बेटे 100 साल तक पोते, खूब ढेर सारा जमीन और खूब घोड़े हाथी सोना चांदी सब भरा पड़ा, आप खुश, ये मांग ले, सब मांग ले। अर्थ देखते हैं आसान सा है, सतायुषः शतम वर्षाणि आयुंषि एषां तान सतायुषः पुत्र पौत्रान विनिश। सतायुषः मंत्र में जो है उसको कहते हैं शतम वर्षाणि, 100 साल 100 वर्ष की आयु है जिनकी, उनको कहते हैं सतायुषः। ऐसे पुत्र पौत्र को वरदान में मांग लो। किंच गवादि लक्षणान बहुन पशान पशुन, गाय आदि लक्षणों वाले, गाय घोड़ा भैंस जो भी मांग, बहुत सारे पशु मांग लो। हस्ती हिरण्यम, हस्ती चा हिरण्यम चा हस्ती हिरण्यम, वो मंत्र में हस्ती हिरण्य है तो कह रहे हैं हस्ती हाथी और हिरण्यम माने सोना, हिरण्य ये दोनों को मांग लो। अश्वांश्च जितना चाहे घोड़ा वोड़ा मांग लो, उसमें कौन सा है। किंचा भूमि पृथिव्या महद विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम मंडल साम्राज्यम वृणीश्वर, और क्या कहें, भूमि इस पृथ्वी पर महद विस्तीर्ण पूरा यहां से एकाध दो जिला तक आयतनम आश्रयम मांग लो, जहां सब रह सके। मंडल साम्राज्यम, मंडल साम्राज्य माने ये मंडल होता था ना, भूमंडल, हाँ जैसे अवध मंडल हो गया, कौशल देश हो गया, ऐसे कुछ होगा भूमंडल, ऐसे जो है ढेर सारा साम्राज्य पूरा राज्य मांग लो। किंचा सर, देखो बहुत बढ़िया भास्कर, किंचा सर्वम अपि एतद् अनर्थकम् स्वयं चेद अल्पायु इति अतः आह, करें किंचा सर्वम अपि, ये जितना कुछ आपने बताया ये सब का सब अनर्थक बेकार ही हो जाएगा, कब, स्वयं चेद अल्पायु, अगर खुद कम उम्र वाला हो तो, खुद ही हमारी कम उम्र वाला हो तो सबका सब बेकार हो जाएगा, इसलिए कहते स्वयं च जीव त्वम जीव धारय शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम सर्दो वर्षाणि यावद इच्छस जीव तुम। स्वयं च जीव त्वम जीव, तुम जिंदा रहो, तुम खुद भी जिंदा रहो, जीवित रहने का क्या मतलब, बोले धारय शरीरम, शरीर तुम अपना बनाए रखो। अच्छा हम जिंदा भी रहें और आँख से दिखे ना, कान से सुनाई ना पड़े, पाँव से चला ना जाए, हाथ से काम ना किया जाए, तो ऐसे जिंदा रहने का क्या फायदा। बोले नहीं, समग्र इंद्रिय कलापम, तुम जितना चाहो जितने वर्ष चाहो उतना साल जीना और अपनी सारी इंद्रियां तुम्हारी ठीक ठाक रहेंगी, सब इंद्रियां, आंख देखेगी, कान सुनेगा, पांव चलेगा, कमर दर्द नहीं होगी, सब मांग लो है ना, जो चाहो मांग लो। सर्दो बरसाण यावद इच्छसी, जितना 100 साल जितना तुम चाहो वो सब मांग लो। जब नचिकेता के सामने ये सब रखा ना तो नचिकेता का मन लगा नहीं, इधर उधर देखे, जब इधर उधर देखने लगा तो यमराज को लगा बच्चे को जितना मैंने सुनाया ध्यान नहीं दिया, लगता है इसके मन में कुछ और होगा। जैसे कोई आदमी बाजार जावे मन में कोई सोच के जावे,
हमको अमुक वस्तु खरीदना है, दुकाने में खतरा है, बोलता हाँ, तो दुकान में हजारों चीज दिखाई पड़ती हैं, लेकिन फिर उसके मन में जो चीज है वो मन में वही रहता है कि वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे यमराज के मन में आया कि शायद जितना मैंने बताया उसके अलावा इसके मन में कोई कोई और बात होगी। तो देखो अगला मंत्र, अंकला मंत्र, यमराज जी कहते हैं इसके जैसा कोई और तुम्हारे मन में हो तो मांग लो। शाम को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। इतने वरदान में से किसी को जरा सा मिल जावे तो कहेगा छोड़ो उपनिषद वगैरह, कहाँ फंसे पड़े। एक दो बीघा जमीन मांग ले में काम चल जाओगे, चार छः बीघा में तो भगवत कृपा तो है। अब ये इतना यमराज जी ने बर मांगा है, बर देने कहा है नचिकेता को, अगर इनमें से कोई भी बर किसी को चाहिए, अगर आज भी पसंद है तो फिर आगे वाली विद्या उसके अभी रुक गई, मतलब हाँ, फिर उसके प्रति अभी उसके मन में अगर ये होगी ये सब मुझे नहीं चाहिए, उस अगर इसमें से कहीं पर मन टिकता है इसका मतलब अभी ब्रह्म विद्या के प्रति उसकी उतनी समझ नहीं है, उतना लगन नहीं। यही हमारे गुरु जी भी देते हैं।